this vehicle and I was missing that. Why was I not driving a two-wheeler since long time? It's such a wonderful product. It's a gem of a product. To ride it, you have to believe it. Thank you. यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका लुक देख लीजिए चारों साइड से, ये बाइक देखने में कैसी लगती है। बाकी हम एक एक चीज़ डिटेल्स में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसका प्राइस क्या है और कैसे ये बाइक स्टार्ट होती है और क्या कुछ नया वाले में चेंज किया गया है। दोस्तों हम आए हुए हैं KTM के शोरूम पे जो कि दिल्ली में मोती नगर में, और यहाँ पे आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि बजाज की तरफ से, तो ये 2022 की नई चेतक है। तो क्या कुछ इसमें चेंज हुआ है, अभी हम अंकित भी आए जो कि सारे डिटेल्स बताने वाले हैं कि क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलने वाला है आने वाले 2022 के जो चेतक आपको रोड पर दिखाई देने वाले हैं उस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या कुछ चेंज मिलने वाला है। तो सबसे पहला आप चेंज बता दीजिए, इसमें क्या चेंज किया गया है? इसमें सर जो चेंज करा है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इंडियंस हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें आपकी जो रेंज रहेगी 90 किलोमीटर रहेगी। आप अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो स्पोर्ट्स मोड पे आपका चलेगा 80 किलोमीटर और इको मोड पे चलेगा 90 किलोमीटर, ठीक है। इसमें आपका जो चलाने का कैसे रहेगा, आप स्टैंड से हटाएंगे ये आप देख सकते हैं, न्यूट्रल है। अगर आप स्टैंड से हटाएंगे न्यूट्रल की जगह ड्राइव आ जाएगा, आप ये ड्राइव क्लिक करेंगे देन उसके बाद आप चला सकते हैं। अगर आपको मोड्स चेंज करने हैं ड्राइव पे ही क्लिक करके आप मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी आप में इसमें ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप ये प्रेस करेंगे आपका ये फ्रंट का डेस्कटॉप आ जाएगा, हमारा चार्जर रहता है जिससे आप अपना चेतक चार्ज करेंगे। देन यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दे रखा है आपको चार्जिंग का, आप यहां से चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल इमरजेंसी में, लाइक कहीं जा रहे हैं आपका डाउन हो रहा है तो आप यहां इजीली चार्ज कर सकते हैं। यहां पे हमने आपको फर्स्ट एड की दे रखी है। अच्छा। और यहां पे आप चार्ज के साथ फ़ोन यहां यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यहीं का चार्जिंग चार्ज बैटरी नहीं, ये बैटरी का रहेगा, ये आप केबल निकाल के, मैं बताऊँ आपको कि ये पूरा निकाल के चार्ज का भी ऑप्शन है, इससे हम अपना चेतक चार्ज करेंगे। इसमें हमारा चार्जर रहता है, ये हमारा चार्जर है, ठीक है। ये चार्जर है, ये चार्जर का स्पेस है आपका। अब ये आपने बंद कर दिया, मैं चार्जिंग का आपको बताऊंगा। तो ये कीलेस स्टार्ट है। हाँ, ये कीलेस है। अब ये प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑन हो गया, ठीक है। बाकी आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये डिक्की आपकी ओपन हो जाएगी। ये आपका स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं, तो कुछ भी सामान वामान रख सकते हैं, ठीक है। और बैटरी कहाँ से दिखाई देगी? बैटरी इस चार्जिंग का स्लॉट ही है आपका। अच्छा, बैटरी को चार्ज कर। हाँ, यहाँ से आप चार्ज करेंगे, चार्जर ये है आपका, ये चार्जिंग रहेगा। आप जो चार्ज करेंगे वो आपका जो सॉकेट रहेगा 5 एम्पीयर का सॉकेट रहेगा और 220 वोल्ट का रहेगा अर्थिंग, 220 वोल्ट 5 एम्पीयर। तो ये उसमें आप सॉकेट से भी चार्ज, हाँ 5 एम्पीयर के सॉकेट से चार्ज करोगे जहाँ अर्थिंग आ रही होगी आपकी, और 220 वोल्ट ये आपका रहेगा चार्जिंग का स्लॉट। ये चार्ज होने में कितना, 4 घंटे? ये आपका 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज। और यहाँ पे ये क्या रिवर्स वगैरह भी है? हाँ, मैं आपको सब, ये हमारा रिवर्स रहेगा। अगर ये अभी तक किसी में भी फीचर नहीं है, आप रिवर्स का ऑप्शन करेंगे तो ये बैक होएगा आपका, मतलब स्लो मोशन में करेंगे तो इजीली आपको ये बैक हो जाएगा। इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा, लाइक जैसे आप ये ट्रिप देख रहे हैं, ओडोमीटर सब आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो M का फंक्शन रहेगा आपका, इससे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मोड है आपका, ट्रिप आ गया, ये आपका स्टेट ऑफ चार्ज आ गया, इसमें जाके आप टाइम सेट कर सकते हैं अपना। और ये आपका बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन आएगा, जब आप चार्ज करेंगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, ये दिखा करेगा, ये मोड में आपका ओडोमीटर आ गया है, ठीक है। आपका ये स्पीड का रहेगा और इसमें रेंज बताएगा, अभी इतना चार्ज है तो आपका ये इतना 65 किलोमीटर चल सकता है जिस मोड पर होएगा, ठीक है। बाकी ये मोड के अकॉर्डिंग आपको ये सब इसमें मेंशन रहेगा, बाकी आपका ये इंडिकेटर का रहेगा, ये आपका LED इंडिकेटर दे रखा है।
से मतलब चेंज इसमें क्या बॉडी वगैरह बिल्कुल वैसे बॉडी इसकी जो है ओनली चेतक ने आपको ट्यूबलर स्टील बॉडी दिया, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, थोड़ा मजबूती मिल रहा है मजबूती मिल रही है और इसका जो पिकअप है अदर देन ओरो से बहुत बेटर है। इस सॉरी इसकी जो मोटर रहेगी आपकी 4 किलोवाट की मोटर है और इसकी जो बैटरी रहेगी वो 3 किलोवाट की बैटरी है, लिथियम बैटरी है। 3.8 किलोवाट की बैटरी है। अब इसमें 3 किलोवाट की बैटरी लगाई है इसमें, लिथियम बैटरी है। टायर साइज आपका रहेगा 12 आगे पीछे और दोनों आपका ट्यूबलेस टायर है। आगे इसमें देखिए तो डिस्क भी मिल जाता है आपको, इसमें डिस्क ब्रेक भी है इसमें। रियर आपका ड्रम ही रहेगा। और एक सवाल था, जैसे अभी काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर में माने तो ओला सबसे बेस्ट अभी माना जा रहा है और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, ओला देखो, ओला तो आप कह रहे हो बेस्ट माना, चेतक हमारा कल भी था आज भी है। पहले था वो हमने आज भी लॉन्च कराया है। इसमें क्या है, आपका बॉडी है वो आपकी स्टील की बॉडी नहीं है। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट स्टील की बॉडी मिलती है एंड देन जो इसकी लुक है उससे बहुत अब्रॉड सी है। आप उसको देखोगे तो थोड़ा साइज में भी थोड़ा सा वैसा है। बट बाकी एक चीज़ है कि ये जो है आपको शोरूम वगैरह में सारा कुछ मिल जाता है, ओला का कहीं भी डीलरशिप या शोरूम नहीं है तो कस्टमर को यहाँ पे आपको देखो सर्विस भी मिल जाएगी। कोई भी कस्टमर कुछ भी बोल सकता है तो आप सर्विस भी करा सकता है। ओला में आप कहाँ जाएंगे कराने, और अभी प्लस इसमें कंपेयर आप इसमें जो एक चीज़ हो रहा है कि इसका अदर देन ओरो से पिकअप बेटर है। और इसका टॉप स्पीड कितना तक है? इसका टॉप स्पीड रहेगा 63 से 65 70 तक जा सकता है, मतलब 60 से 70 के अप्रोक्स इसका टॉप स्पीड रहेगा। और इसको मतलब आप अपने मोड वाला। और इसमें इसको आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। माय चेतक ऐप ये एप्पल स्टोर पे, एप्पल के फ़ोन ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप जो सब कुछ आपका रेंज हो गया, मोड्स हो गया, वो आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी बैटरी है व्हीकल करके, वो जो पार्किंग वो हाँ वो भी कर सकते हैं आप। इसमें नेविगेशन भी लगा सकते हैं कि जैसे आप एक रेडियस सेट कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे एक रेडियस सेट कर दी, उससे आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो आपको अपने फ़ोन में लोकेट हो जाएगा। और प्राइसिंग वगैरह क्या है? बाकी जो इसकी प्राइसिंग रहेगी आपकी जो दिल्ली में है अभी 153 के अप्रोक्स 150,000 जो भी रहेगा वो दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। अच्छा, तो ये सब्सिडी क्लेम कैसे करेंगे कस्टमर? जैसे वो तो लास्ट में जो प्रोसेस रहेगा क्लेम करने का, जब आप डिलीवरी होगी आफ्टर फाइनल पेमेंट रहेगा, वो लास्ट प्रोसेस रहेगा। वो ऑनलाइन आपके गवर्नमेंट की साइट पे जाके वो आप ले सकते हो। और मतलब ये कस्टमर को ही करना होगा? हाँ, कस्टमर को ही करना पड़ेगा। वैसे वो हमारी भी हम भी हेल्प करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम ही कराएंगे, वो हम ही करके बताएंगे कि इस साइट पे जाना है, ऐसे वो हमारे सामने ही करवाएंगे। तो ये कितने तक आ जाएगा आपका रिवॉर्ड? अभी जो प्राइस आ रहा है 140 के अप्रोक्स, मतलब सब्सिडी के बाद, सब्सिडी माइनस होने के बाद। इसमें आपका जो बैटरी रहेगा, एक बैटरी आपका लिथियम है, एक इसमें रहेगा यहाँ पे ऑक्सिलरी बैटरी, बैटरी है इसमें निकालना नहीं है, ये ऑलरेडी उसको उससे कनेक्ट कर रखा है। ये बात इसका जो ऑक्सिलरी बैटरी का काम है वो आपका लैंप हो गया, हेडलाइट होगी और इंडिकेटर्स हो गए, ये उससे कनेक्ट कर रखा है। जैसे एक होता है कि किसी कोई निकाल ले, कोई ऊपर ले जाकर चार्ज वगैरह कर रहा है, इसमें वो नहीं, इसमें ऐसा पोर्टेबल चार्ज नहीं है। वैसे आप अगर चार्जिंग के लिए, वो तो देखो सबके घर में नीचे ही होता है चार्ज करने के लिए, अगर पोर्टेबल भी होगा तो इतनी भारी बैटरी थर्ड फोर्थ फ्लोर पर लेके नहीं जाएगा, 10 किलो इतना बैटरी कोई भी नहीं ले जाएगा, वो तो घर के नीचे ही चार्ज करेगा। इसमें आप नॉर्मली 3 किलो वेट तक कुछ भी मतलब कैरी कर सकते हैं, 3 किलो वेट है इसका। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आगे आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।